Dear friends, today I am going to tell you about some typical unique question on the current ratio from 12th class perspective. There are lot many YouTube videos on the YouTube where the current ratio is being explained in a simple terms. तो वो आपको सारे का सारा material current ratio क्या होती है, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें लेते हैं, मैं आज उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको आज करंट रेशो के वो क्वेश्चंस कराऊंगा विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द बुक्स एंड विच आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर एजुकेशन पैटर्न इज स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजिंग। दे वॉन्ट टू जस्ट इवेल्युएट द conceptual clarity of the students on the concept rather than mere clerical work just to feed the data in a formula and get the answer. So main aapko aaj sab typical questions karaunga and these questions have been developed by me only and you will not find any such question anywhere. Sabse pehle hum simple likhte hain, humko to pata hona chahiye. Current ratio is equals to current assets upon current liability. ये तो आपको सबको पता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ विच इज हेल्पफुल वाइल डूइंग द क्वेश्चन फॉर करंट रेशो। हमको सबसे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मेरी बैलेंस शीट, मैं जस्ट टी शेप में बना रहा हूँ, क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मेरे इधर लाइबिलिटी साइड पे आ गया शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड द करंट लाइबिलिटी। इधर मेरे पास आ गया नॉन करंट एसेट्स और इधर मेरे पास आ गया करंट एसेट्स। ये बैलेंस शीट का एक ब्रॉड फॉर्मेट इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द करंट रेशो। इस बैलेंस शीट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज व्हाई, बिकॉज सी ए माइनस सी एल कम्स ऑन द एसेट साइड। तो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से भी कर दिया। एक हमको ये क्वेश्चन तो पता ही, एक डाटा हमको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉन्सेप्ट और आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस लॉन्ग टर्म फंड्स रेस इन द बिजनेस एंड इट्स बेसिकली aggregate of the shareholder funds plus non-current liability. तो यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज क्वेश्चन अ वेरी गुड क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स आर 150% ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60% ऑफ टोटल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज आर 4 लाख, फाइंड आउट करंट रेशो। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, हम कोई कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट एक ड्रॉ करें, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल, एनसीएल, सीएल हमारे पास कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज आ रहा है। इट मीन्स शेयर, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट्स एन एग्रीगेट ऑफ द 60% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। मीन्स अगर हम यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज को एक्स ले लें, इट मीन्स 60% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इम्प्लाइज, क्योंकि ये दोनों 100% होंगे, ये 60% है, तो ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, 40% होगी, तभी 100% मैच करेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी विच इज गिवन टू बी दी 4 लाख रुपीज, विच मीन्स x is equals to 4 lakh upon 40%, it means my total liability comes to be the 10 lakh rupees. Means हमने यहाँ पे जो s capital employed 60% है, उससे हमने ये derive करा the
करंट लाइबिलिटी कम्स टू दी 40% ऑफ द टोटल लाइबिलिटी. मुझे करंट लाइबिलिटी गिवन है, अकॉर्डिंगली आई वर्क आउट दी टोटल लाइबिलिटी विल कम्स टू दी 10 लाख रुपीज. नाउ टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू दी टोटल एसेट, बैलेंस शीट में ये हमने निकाल लिया. नाउ करंट एसेट इज 150% ऑफ द नॉन करंट एसेट्स. इट मीन्स इफ माई एन सी ए, लेट मी राइट हियर, इफ माई एन सी ए इज इक्वल्स टू एक्स, इट मीन्स करंट एसेट इज इक्वल्स टू 1.5x. और इन दोनों का टोटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट, विच मीन्स एक्स प्लस 1.5x इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज, विच मीन्स 2.5x इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज. एक्स कम्स टू योर 4 लाख रुपीज, इट मीन्स माई एन सी ए इज 4 लाख रुपीज एंड माई करंट एसेट इज 6 लाख रुपीज. अकॉर्डिंगली करंट रेशियो इज 6 लाख अपॉन 4 लाख, विच कम्स टू 1.5:1. मीन्स यहाँ पे हमने सिंपल बैलेंस शीट का जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वो यूज करके वी वर्क आउट कीपिंग इन माइंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, इट्स कंपेरेटिवली सिंपल. टोटल एसेट्स कितनी गिवन है मेरे को यहाँ पे, 15 लैक्स. फिक्स एसेट इज 5 लैक्स. इट मीन्स माई करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 10 लैक्स. क्यों? अगर हम बैलेंस शीट फॉर्म में जाए तो बैलेंस शीट फॉर्म में हम इधर इसको प्लॉट करें तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी हो रही है इधर, 15 लाख रुपीज. टोटल एसेट्स हमारी कितनी हो रही है इधर, 15 लाख रुपीज. इधर मेरी फिक्स एसेट इज गिवन टू बी 5 लाख रुपीज, विच इंप्लाय बैलेंस इज माई करंट एसेट विच कम्स टू दी 10 लाख रुपीज. नाउ क्वेश्चन सेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख रुपीज, इट मीन्स एस एफ प्लस एन सी एल द एग्रीगेट ऑफ विच इज 10 लाख रुपीज. बैलेंस शीट एसेट 15 लाख रुपये है, लाइबिलिटी मेरी 15 लाख रुपये हो गई, इसका मतलब मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 5 लाख. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करंट रेशो, तो करंट रेशो हमारी कितनी हो गई, सी ए अपॉन सी एल विच कम्स टू 10 लाख अपॉन 5 लाख, विच इज इक्वल्स टू 2:1. ये कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन था, बट अगेन हेयर हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट का यूज करा. नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन, विच मीन्स ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से आपका मैथमेटिक्स एक चेक होगा, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट चेक होंगे. करंट रेशियो मुझे गिवन है 2:1, करंट लाइबिलिटी इज 11 लाख रुपीज. तो कैन आई से सी ए अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाय सी ए इक्वल्स टू 2 सी एल, विच इम्प्लाइज सी ए इक्वल्स टू 2 × 11 लाख, विच इज इक्वल्स टू 22 लाख रुपीज. यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट एसेट कितनी आ गई हमारे पास, 22 लैक्स. नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, लेट मी पुट इन दिस वे, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, दीज आर 3 broad components ऑफ द करंट एसेट. स्टॉक इज 2 times ऑफ द डेटर, इट मीन्स अगर डेटर 1 है तो स्टॉक कितना हो गया, 2. डेटर इज 1.5 times ऑफ कैश, मीन्स अगर कैश 1 है तो डेटर कितने हो गए, 1.5 times. Now we need to make these 3 components in a simple ratio. For that purpose, we need to make this thing common. So what I do? I multiply this entire thing by 1.5. Now what will happen after this? By multiplication, it becomes 3:1.5, यहाँ तो 0 आ गया, 1.5:1 यही. इट मीन्स द रेशियो बिटवीन द स्टॉक डेटर्स कैश इज नाउ बिकम
3:1.5:1। नाउ कैश निकालना है, ये टोटल एसेट है, ये हो गया 3 + 4 = 5.5। तो हमारे पास टोटल हो गया कैश का कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 22 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू दी 4 लाख। तो कैश कंपोनेंट कम्स टू दी 4 लाख रुपीज। तो दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, आई एम गारंटिंग यू दिस एस्पेक्ट। तो ये क्वेश्चन होप है आपको क्लियर हो गया होगा। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। शेयर होल्डर फंड इज 10 लाख रुपीज, नॉन करंट लाइबिलिटी इज 12 लाख, नॉन करंट एसेट इज 7 लाख। डिटरमाइन द करंट रेशियो, सॉरी करंट रेशियो इज गिवन 2:1। डिटरमाइन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। नाउ अगेन लेट मी पुट दिस डाटा इन अ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड कितने आए इधर, 10 लाख रुपीज। नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आ रही है, 12 लाख रुपीज। नॉन करंट एसेट कितनी आ रही है हमारे पास, 7 लाख रुपीज। नाउ हाउ बैलेंस शीट मैच, इट मींस कैन वी से 22 लाख इधर लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है, इधर भी 22 लाख आ रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट इज माय वर्किंग कैपिटल। मीन्स व्हाट वी सिंपली डू, हमने यहाँ पे जो हमारा सीएल आता है वो यहाँ शो नहीं करके सीए से हमने लेस कर दिया। तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 15 लाख रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल, सीए इज इक्वल्स टू 2CL, CA माइनस CL इज इक्वल्स टू 15 लाख रुपीज। हमने CA की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 2CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 15 लाख रुपीज, विच इम्प्लाइज CL इज इक्वल्स टू 15 लाख रुपीज। CA इज 2 times ऑफ CL, विच इम्प्लाइज CA इज इक्वल्स टू 30 लाख रुपीज। आई एम अगेन रिपीटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट will always help you in any type of the question associated with the ratios, and that too on the balance sheet components. Debt equity ratio, liquidity ratio, all these turnover ratios, this will definitely help from the balance sheet. Now let me take another question. Capital employed is 8 lakh rupees. Current liability is 20% of total liability. नॉन करंट एसेट इज 60% ऑफ द टोटल एसेट। फिर हम तो एक चीज सिंपल करते हैं, लेट मी मेक अ बैलेंस शीट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है यहाँ पे मेरी, 8 लाख रुपीज, विच यू नो नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL। नाउ करंट लाइबिलिटी इज 20% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। वॉट इट मीन्स, कैपिटल इंप्लॉयड इज 80% ऑफ टोटल लाइबिलिटी, बिकॉज 80 + 20 = 100 होता है। नाउ कैपिटल इंप्लॉयड इज 80% ऑफ टोटल लाइबिलिटी, तो इट मीन्स 8 लाख इज इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। इट मीन्स टोटल लाइबिलिटी कम्स टू हाउ मच, 10 लाख। मेरी यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया मेरे पास, सॉरी करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज। नाउ करंट एसेट, टोटल एसेट इज अगेन 10 लाख रुपीज। करंट एसेट इज 60% ऑफ द टोटल एसेट, इट मीन्स करंट एसेट इज माई 6 लाख रुपीज। तो माई करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 6 लाख करंट एसेट अपॉन current liability, which is equals to 3:1. Now let me take you another question, which is the last question. Current asset is 30% of capital employed. Non-current asset is 7 lakh rupees. Current liability is 1/6 of the total liability. तो हम अगर अगेन यहाँ पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करें, लेट सी, यहाँ पे मेरी नॉन करंट एसेट कितनी आ रही है, 7 लाख रुपीस। करंट एसेट इज
30% ऑफ माई करंट लाइबिलिटी। एक मिनट आप रुकिए, ये क्वेश्चन में मेरे को, ये क्वेश्चन हम अभी इग्नोर करते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाटा गलत फीड हो गया है, कोई इशू नहीं है, गलती होती है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इट विल डेफिनेटली गिव यू दी क्लैरिटी ऑन दी टिपिकलिटी ऑफ द करंट रेशियो। आई विल कीप ऑन कमिंग विद द मोर टिपिकल क्वेश्चंस ऑन अदर टाइप ऑफ रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, विच यू विल डेफिनेटली फाइंड नॉट मीन्स यू विल डेफिनेटली फाइंड इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग।